नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सियासत में कोई नया और पुराना नहीं होता, जिसका दांव लग जाए वही सियासत का बादशाह होता है। जैसे पिछले 10 सालों से मोदी का सिक्का चल रहा है, इससे पहले कभी कांग्रेस का सिक्का चला करता था। अब लालू के बाद बिहार में तेजस्वी यादव का सिक्का चल रहा है और इसी उभार से मोदी घबरा गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में भले ही नई सरकार आई है, लेकिन इस सरकार पर अभी भी आरजेडी की छाप दिख रही है और बीजेपी पछता रही है, क्योंकि सत्ता से तेजस्वी को हटाकर बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अगर विपक्ष में रहती तो लालू के लाल और लालू परिवार पर हमला करती और जनता पास आती, लेकिन पलटू राम के साथ आकर अपना नुकसान कर लिया है और धोखा खाए तेजस्वी जनता के बीच हैं और जनता अपार आशीर्वाद दे रही है। और इसी को देखकर बीजेपी और जेडीयू की हालत खराब है और दिल्ली में बैठे मोदी का सपना उनकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा है और चोट खाए तेजस्वी सड़क पर हैं और जनता के मिल रहे प्यार से मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। इसके साथ ही साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ बैठक करके तेजस्वी यादव के लिए कामों को हाईलाइट करने का काम सौंपा दिया। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार की सम्राट चौधरी की हर चाल को ध्वस्त करने के लिए प्रवक्ताओं और नेताओं को लगा दिया गया है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में टक्कर दी जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तेजस्वी बिहार में खेला करने की पूरी तैयारी में हैं। इसके साथ ही साथ बिहार में जन विश्वास यात्रा को जो सफलता मिली है, उसको देखकर लगता है कि इस बार जनता सब सिखाने के मूड में है और इसका कारण है लोगों की भीड़। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे हैं कि अगर भीड़ ने वोट दे दिया तो नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी का सपना भी टूट जाएगा और ये काम एक बार फिर बिहार करेगा। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में ज्यादातर युवाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि अगर फिर सरकार में आए तो नौकरियों की बहार होगी, जैसे 17 महीने की सरकार में हमने नौकरियां दी हैं, आगे भी यही करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ सरकार बनी तो खेलों में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना लागू करेंगे। विकास मित्र, तोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने जैसे कुछ प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इन सब वादों से बिहार के शिक्षक और जनता मस्त हैं और खुश हैं और लग रहा है कि अगर तेजस्वी के वादों पर काम हुआ तो जेडीयू और बीजेपी की हालत लोकसभा चुनाव में खराब हो सकती है। लेकिन अभी ये जल्दबाजी है। दिलचस्प तब होगा जब लोकसभा में जनता तेजस्वी को वोट देंगे, फिर बिहार में एक खेला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार और देश के अन्य कोने में तेजस्वी की चर्चा होने लगी है और लोग गंभीरता से उसकी बातों को सुन रहे हैं और यही तेजस्वी की सबसे बड़ी जीत है।